नमस्कार, आप देखें डेली 99 और मैं चारू। शुरुआत करिए दिन भर की बड़ी खबरों से। कर्नाटका मिशन पर आज से पीएम मोदी आज पहले दिन करेंगे 3 रैलियां। आपको बता दें कि कर्नाटका विधानसभा चुनाव में आज असली जंग देखने को मिलेगी। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मैदान में उतर रहे हैं। आज पहले दिन प्रधानमंत्री 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। पहली रैली चरमा नगर से शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी अब तक करीब 7 रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में लश्कर ए तैयबा ने 3 युवकों को मारी गोली। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई से बौखलाए जम्मू कश्मीर के लश्कर ए तैयबा के आतंकियों ने 3 युवकों को गोली मार दी है। अभी सर्च अभियान शुरू है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ये आतंकी कहां से आए थे। आपको ये भी बता दें कि पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर में इस तरीके की गोलीबारी चली जा रही है। एम्स से रिम्स पहुंचे लालू प्रसाद यादव। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में इस समय जेल की सजा काट रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से कुछ दिनों से एम्स में भर्ती थे, लेकिन अब एम्स से हटाकर लालू प्रसाद यादव को रांची के रिम्स में भर्ती करवा दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि रिम्स इस समय एक छावनी के रूप में बदल चुकी है। लोगों का मानना है कि लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए कई लोग आ सकते हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। मोदी और पुतिन की मुलाकात से पहले हो सकती है S-400 मिसाइल की डील। जी हां, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अक्टूबर में मुलाकात होने वाली है, जिससे पहले ये कयास लगाए जा रहे हैं कि S-400 डिफेंस मिसाइल की डील उससे पहले हो सकती है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो ये डील काफ़ी पूरी हो चुकी है और रेट और अन्य मुद्दों पर जो भी मतभेद थे वो भी खत्म हो चुके हैं। अब बात करते हैं मनोरंजन जगत की, तो राखी सावंत ने कास्टिंग काउच पर एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि सरोज खान के कास्टिंग काउच के बाद में कास्टिंग काउच का मुद्दा फिर से गर्मा गया। राखी सावंत ने इस मुद्दे पर एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में रेप नहीं होता, बल्कि जो भी होता है वो आपसी सहमति से होता है। इसके बाद में ये मुद्दा और आगे कहां जाता है, ये देखने वाली बात होगी। बाकी और खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करिए डेली 99।